हेलो एवरीवन, ग्लोबल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इन्यूमरेटेड इन Part 4 of the Constitution from Article 36 to 551। तो ये एक याद रखने वाली चीज़ है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो पार्ट 4 में एग्जिस्ट करते हैं और दूसरा आर्टिकल्स जो इसमें आते हैं वो आते हैं 36 टू 51। द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बारोड दिस आइडिया फ्राम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937। तो ये जो हमारे फ्रेमर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको ये जो आइडिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, ये उन्हें लिया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, विच हैड कॉपीड इट फ्राम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। और उनने आयरिश ने खुद आगे जो है इसको कॉपी किया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब्ड दिस प्रिंसिपल्स एज ए नॉवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने जो है इसको, बी आर अम्बेडकर साहब ने इसको नावल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अलॉन्ग विद द फंडामेंटल राइट्स कंटेन फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स, ये जो है दोनों चीज़ें ये फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रखते हैं, यानी दे कंटेन द फिलासफी ऑफ, इसमें जो है फिलासफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है एंड इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक सोल है। ग्रैनविले ऑस्टिन हैज डिस्क्राइब्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड द फंडामेंटल राइट्स एज कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ग्रैनविले ऑस्टिन ने इनको क्या कहा है, दोनों को कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कहा है, ये याद रखना है। Then next, the phrase directive principles of state policy denotes the ideals that the state should keep in mind while formulating the policies of enacting laws। तो यहाँ जो है बेसिक चीज़ दी गई है directive principles के, कि इनका जो है हमारे constitution में इनका क्या मकाम है। तो ये जो है ये denote करते हैं वो ideals, कि जब भी state को किसी किस्म का काम करना हो तो उनको जो है ये तमाम चीज़ें जो इसमें एग्जिस्ट करती हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, इन तमाम चीज़ों को अपने सामने रख कर जो है अपने आगे लॉज, अपने जो है नए कॉन्स्टिट्यूशंस या अमेंडमेंट्स वगैरह जो कुछ भी काम कर रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो इन चीज़ों को सामने रख कर जो है वो किया जाए। दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस एंड आर रिकमेंडेशंस टू द स्टेट इन लेजिस्लेचर। तो ये जो है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए एक किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं या रिकमेंडेशंस हैं कि वो जो है अपने काम को कैसे एग्जीक्यूट करें एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के रिलेटेड, वो जो है अपने कानून वगैरह कैसे बनाएं, कैसे काम करें और क्या क्या जो है वो कर सकते हैं। आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 36 द टर्म स्टेट इन पार्ट 4 हैज़ द सेम मीनिंग एज इन पार्ट 3 डीलिंग विद फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 36 में सबसे पहले ये बताया गया है कि ये जो आगे फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे इसमें स्टेट का वही मीनिंग है जो पार्ट 3 में बताया गया है, जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, इसका यहाँ जो है स्टेट का सेम मीनिंग है। देयरफॉर इट इंक्लूड्स लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए ये जो स्टेट है इसमें क्या क्या इंक्लूड करेगा, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ सेंट्रल भी और स्टेट गवर्नमेंट्स भी, ऑल लोकल अथॉरिटीज एंड ऑल अदर पब्लिक अथॉरिटीज इन द कंट्री। जितनी भी लोकल अथॉरिटीज है और जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज है कंट्री में, वो तमाम जो है स्टेट में आएंगी। देन नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिजेंबल्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इन्यूमरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
में मौजूद थी. इन द वर्ड ऑफ बी आर अम्बेडकर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर लाइक द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ये एक किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं विच वर इशूड टू द गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर्स ऑफ द कॉलोनीज ऑफ इंडिया बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट. जो उस ज़माने में इशू की जाती थी गवर्नर जनरल को या गवर्नर्स को कॉलोनीज़ के ज़रिए, बाय द कॉलोनीज और कॉलोनीज़ जो इंडिया थी उसके लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी आर्डर वगैरह करते थे कि आपको जो है वहाँ ये काम करना है, इस तरह का काम करना है, तो वो तमाम जो है इसमें मौजूद हैं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था तो उसमें जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो वो वहाँ के इंडिया के गवर्नर जनरल्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया करते थे. तो ये वही इंस्ट्रक्शंस हैं. व्हाट इज़ कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज़ मेयरली अनदर नेम फॉर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को जो उस वक्त अंग्रेज़ अपने गवर्नर जनरल्स को दिया करते थे, वही इंस्ट्रक्शंस जो है आज इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में लाई गई हैं. द ओनली डिफरेंस इज़ दैट दे आर इंस्ट्रक्शंस टू द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव. तो वहाँ इसमें जो है सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये जो है ये इंस्ट्रक्शंस हैं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के लिए. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर. तो ये नॉन जस्टिसिएबल हैं, यानी अगर इनकी कहीं कोई वायलेशन हो तो हम इसमें जो है कानून का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते. दैट इज़ दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल. तो इनको जो है कानून के ज़रिए ज़बरदस्ती इन पर नहीं लागू करवाया जा सकता है. बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन. उनकी वायलेशन अगर हो तो कोर्ट जो है इनको एनफोर्स नहीं कर सकता है. देयरफॉर गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो या लोकल हो, कैन नॉट बी कंपेल्ड टू इम्प्लीमेंट देम. इसलिए हम जो है गवर्नमेंट को, चाहे वो सेंट्रल की हो, स्टेट की हो या लोकल बॉडीज़ हो, हम उनको एनफोर्स नहीं कर सकते, हम उनको कंपेल नहीं कर सकते कि आप जो है इन चीज़ों को करो. यानी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में आगे हम वो देखेंगे कि इसमें क्या क्या आता है, तो उन चीज़ों को जो है हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको जो है ये चीज़ ये काम करने ही करने हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी क्लासिफिकेशन नहीं की गई है. हाउएवर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट एंड डायरेक्शन दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज. हाँ, उनका कंटेंट देखकर, उनकी डायरेक्शंस देखकर उनको जो है जनरल तरीके से उनको तीन हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल. तो इनको जो है यहाँ तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है, सोशलिस्टिक एक पहला, दूसरा गांधीयन और तीसरा लिबरल. तो इनके जो है उसी तरीके से आगे हम इनको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जो है देखते हैं हम इसके सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स. तो जो इसके सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं उसमें आता है, दीज प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म. तो इसमें जो है आइडियोलॉजी है, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है. ये कुछ आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे आगे जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में आते हैं. इनमें जो है सिर्फ सोशलिज्म की आइडियोलॉजी बताई गई है. दे ले डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक स्टेट. और इनमें जो है ये कुछ ऐसी बातें बताती हैं जिससे जो है हमारी स्टेट जो है एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक स्टेट बने. एम एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड सेट द पाथ टुवर्ड्स वेलफेयर स्टेट. और इसका जो मकसद है कि वो जो है एक सोशलिस्टिक और इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करे, कर सके, एंड सेट द पाथ टुवर्ड वेलफेयर स्टेट, और एक रास्ता हमवार करे एक वेलफेयर स्टेट के लिए. तो सबसे पहले जो है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हैं. देन दे डायरेक्ट द स्टेट. और ये स्टेट को क्या डायरेक्ट करते हैं, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाई सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर आर परमिटेड बाई जस्टिस. तो ये स्टेट को ऑर्डर करते हैं कि वो जो है प्रमोट करे सोशल ऑर्डर, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाई, ये जो है एक लोगों का वेलफेयर जो है प्रमोट करे, किस लिए, बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय जस्टिस. यानी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो लोगों के अंदर क्रिएट करने की कोशिश करें. एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़ इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़.
और जो लोगों के अंदर जो इनइक्वालिटीज़ आज पाई जाती हैं, चाहे वो इनकम के एतबार से हो, चाहे वो स्टेटस के रिलेटेड हो, या फैसिलिटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ के रिलेटेड हो, जो भी लोगों के अंदर इस वक्त इनइक्वालिटीज़ पाई जाती हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाए और उनके अंदर जो है एक बराबरी करने की कोशिश की जाए, किसके अंदर, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल से रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं उनमें जो है एक बराबरी करने की कोशिश की जाए, ये हमें बताता है आर्टिकल 38। देन नेक्स्ट आर्टिकल 39 है, उसमें क्या बताया गया है, टू सिक्योर द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, तमाम लोगों के लिए खाने पीने के जो वसाइल हैं उनको जो है बराबर तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की जाए और उनको जो है हर इंसान तक पहुंचाने की कोशिश की जाए, द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी फॉर ए कॉमन गुड, हर इंसान के लिए उनकी बराबर एक तो कोशिश की जाए उनको जो है लाने की कोशिश की जाए, लाइवलीहुड जो है मीन्स हैं उनको किसी भी तरीके से बनाने की कोशिश की जाए और बाद में उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की भी कोशिश की जाए इक्वली, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कुछ लोगों के हाथों में वेल्थ आ जाए और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाए उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर एन मैन एंड वुमेन, यानी मर्द और औरत के लिए जो इक्वल काम है, बराबर काम के लिए बराबर जो है उसका वो पैसे वगैरह दिए जाएँ, उनकी जो दिहाड़ी है, जो उनकी मजदूरी है वो बराबर दी जाए, प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज़, तो मर्दों के लिए और औरतों के लिए कोशिश करनी है एक तो उनका जो है हेल्थ और उनका जो स्ट्रेंथ ऑफ वर्क है उसको जो है बचाने की कोशिश की जाए और उनके साथ जो है किसी भी किस्म का जुल्म, किसी भी किस्म की ज़्यादती हो उससे जो है उनको बचाने की कोशिश की जाए, बोथ बच्चों को भी और लेडीज़ को भी, औरतों को भी, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के लिए एक हेल्दी डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी जो है क्रिएट करने की कोशिश की जाए, ये बताता है हमारे आर्टिकल 39 में। देन नेक्स्ट 39A, टू प्रोमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, तो इक्वल जस्टिस को प्रोमोट करने की कोशिश की जाए और फ्री लीगल एड जो है गरीबों को फ्री लीगल एड जो है प्रोवाइड करने की कोशिश की जाए, यानी अगर किसी भी किस्म की का जुल्म हो गरीबों के साथ, ज़्यादती हो, तो जब वो कोर्ट में जो है चले जाएं तो वहाँ जो है जो भी वहाँ कोर्ट में जो भी सुविधा हो, जो भी फैसिलिटीज़ हो, उनको बिल्कुल फ्री तरीके से दी जाए, ये एक कोशिश की जाए, ये आर्टिकल 39A में बताया गया है। देन आर्टिकल 41, टू सिक्योर द राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, तो आर्टिकल 41 में बताया गया है कि एक तो जो है राइट टू वर्क, हर इंसान को जो है बराबर काम करने का जो है राइट दिया जाए, राइट टू एजुकेशन दी जाए, देन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो उसको जो है पब्लिक असिस्टेंस दी जाए, ओल्ड एज अगर कोई है, कोई ओल्ड एज में है या कोई बीमार है या कोई डिसेबल है तो उनको जो है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे जो है चीज़ें बनाई जाएं, कुछ ऐसे ज़रिए बनाए जाएं कि उनको जो है वो मदद की जाए, जो लगभग आज हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करता है, जैसे बेरोज़गारी भत्ता है, ये नरेगा है, ये इसी का एक हिस्सा है, एम्प्लॉयड यूथ को जो है ये सब चीज़ें दी जाती हैं, ओल्ड एज पेंशन हैं, डिसेबल लोगों के लिए जो है पेंशन वगैरह की स्कीम लाई गई है, तो ये तमाम चीज़ें जो है अब हमारे इंडिया में इनको कोशिश किया जा रहा है, इनको प्रैक्टिकल में लाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन जिस वक्त हमारा जो ये कानून बना था तो उस वक्त जो है उनने एक आइडिया दिया था कि आप जो ये सब चीज़ें करने की कोशिश करो, तो उस वक्त जो है जो फ्रेमर थे वो सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो है एक प्रैक्टिकल में एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन आज जो है लगभग 50 साल के बाद जो है इन तमाम चीज़ों को जो है लागू किया गया है, राइट टू एजुकेशन भी है आज, राइट टू वर्क भी है, देन पब्लिक असिस्टेंस, अनएम्प्लॉयड, ओल्ड एज पेंशन, डिसेबल्ड लोगों के लिए पेंशन वगैरह, तो ये तमाम चीज़ें जो है आज हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं, टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, तो जो भी मैटर
निटी है, लेडीज़ जो रिलेटेड हैं मैटरनिटी से रिलेटेड हैं उनके लिए जो है कुछ ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए, उनको जो है मैटरनिटी रिलीफ दिया जाए। ये भी आज जो है हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करता है, यानी जब भी डिलीवरी वगैरह होती है तो उनको जो है बाद में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कहीं पे 2,500 या 4,000 कुछ इस किस्म के रिलीफ वगैरह दिए जाते हैं और प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाता है ऐसी लेडीज़ को जो डिलीवरी के वक्त होती हैं, उनका जो है सीजेरियन अगर हो तो उनको फ्री वगैरह तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं वो तमाम जो है ऐसी लेडीज़ को जो है फ्री में दी जाती हैं। तो ये भी जो है लगभग हमारी कंट्री में आज एग्जिस्ट करता है, इसको भी जो है प्रैक्टिकल में लाया गया है। पहले तो ये सिर्फ एक सुझाव था लेकिन अब जो है इसको प्रैक्टिकल में लाया भी गया है। देन आर्टिकल 43, टू सिक्योर ए लिविंग वेज, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल वर्कर्स, तमाम वर्कर्स के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ देने की कोशिश की जाए, ये आर्टिकल 43 में बताया गया है। देन आर्टिकल 43 ए, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, तो इंडस्ट्रीज़ की मैनेजमेंट के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स बनाए जाएं कि वर्कर जो है उनके लिए उनमें पार्टिसिपेट करें, ये वर्ड आर्टिकल 43 ए में बताया गया है। देन आर्टिकल 47, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, तो हर इंसान का जो है जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको रेज करने की कोशिश की जाए, बढ़ाने की कोशिश की जाए, इंसानों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल है उनको बढ़ाने की कोशिश की जाए और हर इंसान का जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने की जो है कोशिश की जाए, ये आर्टिकल 47 में बताया गया है। तो ये हमारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स थे, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, अब हम करेंगे गांधीयन प्रिंसिपल्स। दीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी, जो अब हम आर्टिकल्स आगे पढ़ेंगे ये बेस्ड हैं गांधीयन आइडियोलॉजी पर। दे रिप्रेजेंट द प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इनोंशिएटेड बाई गांधी, तो ये जो है कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो रिकंस्ट्रक्शन की तरफ हमें ध्यान देते हैं, जो गांधी जी ने हमें बताए हैं कि हमने अपने इस कंट्री को कैसे रिकंस्ट्रक्ट करना है ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट के दौरान। इन ऑर्डर टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ गांधी सम ऑफ हिज आइडियाज़ वर इंक्लूडेड एज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो गांधी जी के जो आइडियाज़ थे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में उनके जो आइडियाज़ थे उनको प्रैक्टिकल में लाने के लिए जो है उनके तमाम आइडियाज़ को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लाया गया है। दे रिक्वायर द स्टेट, ताकि हमारी स्टेट जो है एक खुशहाल स्टेट बन पाए, तो उन आइडियाज़ को भी जो है बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लाया गया है, उनको हम डिस्कस करेंगे कि उनके वो कौन से आइडियाज़ थे। सबसे पहला आइडिया जो उनका था, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड टू एंड्यू देम विद नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, आर्टिकल 40। तो यानी हमारे कंट्री के हर विलेज में जो है विलेज पंचायत क्रिएट किया जाए और उनको पूरा एम्पावर किया जाए कि वो जो है अपने जो है सेल्फ गवर्नमेंट छोटे छोटे यूनिट्स जो है वो बना सकें, ये आर्टिकल 40 में है। तो ये भी जो है हमें पता है कि इसको जो है प्रैक्टिकल में लाया गया है। आज जो है पंचायत राज ऑफ इंडिया जो है ये बिल्कुल लगभग 90% जो है कंट्री में ये एग्जिस्ट कर रहा है पंचायत राज सिस्टम, तो ये जो है गांधी जी का आइडिया था, तो इसको जो प्रैक्टिकल में लाया गया है। उसके बाद टू प्रोमोट कॉटन इंडस्ट्रीज़ ऑन एन इंडिविजुअल और कॉपरेशन बेसिस इन द रूरल एरियाज़ में कॉटन इंडस्ट्रीज़ को इंडिविजुअल बेसिस पर उनको जो है प्रोमोट करने की कोशिश की जाए, ये आर्टिकल 43 में बताया गया है। टू प्रोमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन ऑटोनोमस फंक्शनिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए वॉलेंट्री फार्मेशंस ऑटोनोमस फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल और प्रोफेशनल मैनेजमेंट तमाम चीज़ों को जो है प्रमोट किया जाए, ये आर्टिकल 43 में बताया गया है। ये भी गांधी जी का आइडिया था, टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट चिल्ड्रन एंड अदर वीक सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इंजस्टिस एंड एक्सप्लाइटेशन, आर्टिकल 46। तो ये जो है हमारे जो एजुकेशनल और इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो या वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, उनके जो है जो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनको प्रमोट करने के लिए कुछ ऐसे कानून लाए जाएं ताकि एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इंजस्टिस, और उनका जो सोशल इंजस्टिस होता है और जो उनकी एक्सप्लाइटेशन है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए, तो ये भी जो है
लगभग ये चीज़ें आई हैं। आज जो है हम देखते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है उनके लिए कलाहित कोटा रखा जाता है, एक परसेंटेज रखी जाती है, चाहे वो अनएम्प्लॉयड हो या कहीं और, लगभग हर जगह जो है उनके लिए एक ये कोटा रखा जाता है, या लेडीज़ के लिए भी जो है ये चीज़ रखी गई है। देन आर्टिकल 47 टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, तो जो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं ऐसी ड्रिंक्स को, ऐसे ड्रग्स को प्रोहिबिट करने की कोशिश की जाए, उनको प्रोहिबिट करना चाहिए, आर्टिकल 47 में बताया गया है। आर्टिकल 48 में बताया गया टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल्स एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, तो बताए यानी काउ स्लॉटर, गौ कशी हो या चाहे काउज हो या जो मिल्च एनिमल्स हो या एंड्रॉड कैटल्स हो, उनको जो है जो उनकी स्लॉटरिंग वगैरह होता है उसको जो है प्रोहिबिट करने के लिए बताया गया है इसमें, उनको प्रोहिबिट किया जाना चाहिए और उनकी जो ब्रीड्स हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए, ये आर्टिकल 48 में बताया गया है। देन आर्टिकल नेक्स्ट टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड स्पेसिफिक लाइंस, तो मॉडर्न एनिमल हस्बेंड्रीज एग्रीकल्चरल यूनिट्स जो है क्रिएट किए जाएँ ऑन मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस के ऊपर। देन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, आर्टिकल 48 में बताया गया है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको जो है, चाहे वो फॉरेस्ट हो वाइल्ड लाइफ हो, उसको जो है बचाने की कोशिश की जाए, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये कोशिश की जाए। देन आर्टिकल 49 टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट व्हिच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो आर्टिकल 49 जो है इसमें बताया गया है कि जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं या प्लेसेस हैं या ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक या हिस्टोरिकल इंटरेस्ट हैं उनको जो है बचाने के लिए एक मेहनत की जाए, तो ये जो है इस आर्टिकल को जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में रखा गया है, इसको जो है वहाँ लाया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। अब हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे गांधीयन प्रिंसिपल थे, पहले हमने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल डिस्कस किए, देन गांधीयन प्रिंसिपल, अब लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करते हैं। द प्रिंसिपल्स इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी रिप्रेजेंट द आइडियालॉजी ऑफ लिबरलिज्म, इसमें वो आइडियाज़ हैं जो लिबरलिज्म से रिलेटेड हैं। दे डायरेक्ट द स्टेट, ये स्टेट को क्या डायरेक्ट करते हैं, लिबरलिज्म से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई हैं। टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री, इसमें बताया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है तमाम सिटीजन्स के लिए बनाया जाए, जहाँ हर इंसान के लिए जो है एक ही कानून हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तो वो जो है उसके लिए जो है एक कानून। आज हमें पता है मुसलमानों के लिए अपना एक अलग है शरीयत है, और हिंदूज़ के लिए जो है अपना है हिंदूज़ ला है, मुस्लिम्स के लिए अलहदा है इस्लामी शरीयत है। तो यहाँ बताया गया है कि पूरे जो है इंडिया के अंदर जो है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, जिसमें चाहे वो किसी भी इशू से रिलेटेड हो, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो या किसी और पर्पस से रिलेटेड हो, हर इंसान के लिए जो है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ये आर्टिकल 44 में बताया गया है। टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कम्प्लीट द एज ऑफ 6, तो चाइल्डहुड केयर के लिए जो है बताया गया है कि एक बच्चे के लिए जब वो 6 साल तक जब तक ना पहुँचे उसके लिए जो है कुछ ऐसे फैसिलिटीज़ लाई जाएँ चाइल्डहुड केयर से रिलेटेड, यानी उनको जो है उनकी केयर के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह लाए जाएँ, ये आजकल जैसे आंगनवाड़ी सेंटर्स वगैरह बालवाड़ी सेंटर्स वगैरह हैं, इस तरह के कुछ वो बताए गए हैं कि ये चीज़ें क्रिएट की जाएँ, जहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए जो 6 साल से नीचे हैं उनके जो है लाइवलीहुड के लिए कुछ इंतज़ाम वगैरह किया जाए। देन टू सेपरेट जुडिशरी फ्राम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को जो है बिल्कुल पब्लिक सर्विस से रिलेटेड जो है उसको जो है अलग किया जाए, आर्टिकल 15 बताया गया है। टू प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशंस, तो इंटरनेशनल लेवल पर जो है हमें
पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना चाहिए और हमें जो है दूसरे मुल्कों के साथ जो है ऑनरेबल रिलेशंस जो है कायम करने चाहिए टू फोस्टर रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस एंड इनक्रेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। तो हमें जो है जितने भी इंटरनेशनल लॉ हैं उनको एक्सेप्ट करना है, उनके साथ जो है हमने उनकी ऑब्लिगेशन करनी है, जितनी भी ट्रीटीज़ हैं उनको मानना है। तो इस तरह जो है हमें इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने आप को जो है अच्छा साबित करने की कोशिश करनी है, ये आर्टिकल 51 में बताया गया है। देन नेक्स्ट आर्टिकल, अब जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1973 एडिट 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द ओरिजिनल लिस्ट। तो 42nd अमेंडमेंट जो हुई थी 1976 में, इसमें जो है चार नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किए गए थे जो ओरिजिनल लिस्ट थी उसमें, वो कौन कौन से हैं, दे रिक्वायर द स्टेट, जिसमें क्या क्या है, एक तो आर्टिकल 39 टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी हेल्थ डेवलपमेंट के बारे में, बच्चों की जो हेल्थ डेवलपमेंट है उसको उसके लिए जो है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएँ, ये आर्टिकल 39 में बताया गया है, ये भी बाद में लाया गया है 76 में अमेंडमेंट के थ्रू। देन नेक्स्ट है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, तो इक्वल जस्टिस की बात की गई है और फ्री लीगल एड की बात की गई है आर्टिकल 39A में। देन टू टेक स्टेप्स एंड सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ की मैनेजमेंट के लिए जो है वर्कर्स की पार्टिसिपेशन को जो है कुछ स्टेप्स जो है क्रिएट किए जाएँ, सिक्योर किए जाएँ, आर्टिकल 43A में बताया गया है। और नेक्स्ट जो है लास्ट वाला जो फोर्थ है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की जो एनवायरनमेंट है इसको इम्प्रूव करना, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 48 लाया गया है। तो ये जो है ये तमाम चीज़ें जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1973 के ज़रिए जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ऐड की गई हैं, ये हमको याद रखना है, इसमें से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट। देन नेक्स्ट है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 एडिड वन मोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इसमें एक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया गया है विच रिक्वायर द स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़ इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, जिसमें बताया गया है कि जो इस वक्त लोगों के अंदर जो इनइक्वालिटीज़ पाई जाती हैं चाहे वो इनकम से रिलेटेड हो, स्टेटस हो, फैसिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड, उसको कम करने की कोशिश की जाए आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 38 जो है ये लाया गया है 44th अमेंडमेंट के ज़रिए। अगेन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 चेंज्ड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45, तो इसमें जो है जो आर्टिकल 45 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसका जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें चेंजिंग लाई गई 86th अमेंडमेंट एक्ट में, ये हमको चीज़ें याद रखनी है। एंड मेड एलिमेंट्री एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट, और इसमें जो है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 जो है उसके ज़रिए जो है जो एलिमेंट्री एजुकेशन थी इसको फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया है आर्टिकल अंडर आर्टिकल 21A के ज़रिए, जो वहाँ राइट टू एजुकेशन जो है जहाँ आर्टिकल 45 में जो एजुकेशन की बात की गई थी तो पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में था, तो अब जो है उसको अमेंडमेंट एक्ट 2002 के ज़रिए उसको जो है फंडामेंटल राइट बनाया गया और इसको प्लेस किया गया है आर्टिकल 21A में। द अमेंडमेंट डायरेक्ट टू रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्ड हुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल अंटिल दे कम्प्लीट द एज ऑफ 6, तो 6 साल की उम्र तक जो है उसमें बताया गया है उनकी जो है चाइल्ड वो केयर की जाए, चाइल्ड हुड केयर वगैरह की जाए छोटे बच्चों की। देन 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 एडिटेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू कॉपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड एक और अमेंडमेंट लाया गया 2011 में, इट रिक्वायर द स्टेट टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड कॉपरेटिव सोसाइटीज, जहां बताया गया है कि वो स्टेट को जो है इन वॉलेंट्री फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल और प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड जो है उनको जो है प्रमोट करने की कोशिश करनी है, स्टेट को इन तमाम चीज़ों को जो है प्रमोट करने की कोशिश करनी है। देन द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिसेबल एंड लीगली नॉन फोर्सिएबल, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, जैसे हमने पहले बताया कि नॉन जस्टिसेबल हैं और लीगली नॉन फोर्सिएबल हैं,
तो वो चीज़ इन्होंने क्यों बनाई है, इनको जो नॉन जस्टिसेबल क्यों बताया गया है, तो उसके कुछ रीजंस यहाँ बताए गए हैं। तो वो क्या क्या हैं, द कंट्री डिड नॉट पोजेस सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट देम, क्योंकि इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी कंट्री के पास जो है उस वक्त रिसोर्सेज नहीं थे। तो जूँ जूँ आगे रिसोर्सेज आते जाएँ तो एक कंट्री जो है उन तमाम चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए, इसलिए जो है इनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास हमारी जो कंट्री है अभी 60 साल 70 साल आज़ाद हुए तो अभी यहाँ जो है फाइनेंशियली थोड़ा वीक है, अभी डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, लेकिन अभी हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। एक और रीज़न, टू द प्रेजेंस ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ बैकवर्डनेस इन द कंट्री वुड स्टैंड इन द वे ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन, तो यहाँ जो हमारा कंट्री जो है यहाँ डाइवर्सिटी है, बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा है, तो इन तमाम चीज़ों को एट ए टाइम सीधा डायरेक्ट जो है इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। द न्यूली बॉर्न इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट्स विद इट्स मैनी प्री ऑक्यूपेशन माइट बी क्रश्ड अंडर द बर्डन अनलेस इट वॉज फ्री टू डिसाइड द ऑर्डर द टाइम द प्लेस एंड द मोड ऑफ फुलफिलिंग द, तो चूँकि आज़ाद जो था हिंदुस्तान हुआ था तो इसमें जो है बहुत सारी स्टेट्स थी, तो उनको जो है नए तरीके से जो है इंडिया बना था, नई नई स्टेट्स बनी थी, तो एट ए टाइम उनको जो है सही जगह पर सही प्लेस पर उनको इम्प्लीमेंट करना जो है वो एट ए टाइम जो है एकदम से बड़ा मुश्किल था, तो इसलिए जो है इनको एनफोर्सेबल जस्टिसेबल नहीं रखा गया। लेकिन ये एक कुछ चीज़ें इंस्ट्रक्शंस थी स्टेट के लिए कि जब भी आपको जो है वो चीज़ आ जाए, जब आपके पास वो वसाइल आ जाएँ, वो रिसोर्सेज आ जाएँ, तो आप जो इन तमाम चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए। और ऐसा ऐसा जो है लगभग इसका जो है 60-70% जो है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको जो है इम्प्लीमेंट किया भी गया है। सो इट वॉज ऑल अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मुझे उम्मीद है आपको पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके तमाम कमेंट्स को पढ़ता हूँ। हो सकता है मैं जवाब ना दे पाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हर कमेंट का जवाब देना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं आपके कमेंट पढ़ता ज़रूर हूँ। आप प्लीज़ थोड़ा सा इनक्रेज किया कीजिए, हमें भी हौसला आता है, तो इसलिए जो है आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स में भी ये तमाम टॉपिक्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। जितना आप एजुकेशन को फैलाओगे उतना जो है आपको अपना भी फ़ायदा होगा, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना दूसरों तक पहुँचाओगे तो आपको खुद उसका जो है उतना फ़ायदा होगा। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।